से पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए, एक तरफ तो जन सामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ठीक रखा जा सकता है, दूसरा उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। तो आज जो ये कार्यक्रम है स्वच्छता पखवाड़ा के तहत, इसमें रामनाथ सिटी को हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इसको एक स्मार्ट मॉडल के रूप में डेवलप करें, और इसको यहाँ कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग कहीं भी, जैसे इंटरनल रोड्स है आपकी, आपका सामना है सिटी का, तो ये एक मॉडल हो हमारे शहर में, और कोई भी एजेंसी आए, कोई भी लोग आए, तो मैं उनको बताऊं कि हमारी रामनाथ सिटी जाके देखो, गर्व के साथ हम उससे कह सकें। तो हम यहाँ के लोगों से ये केवल गुजारिश करना चाहेंगे कि एक तो रिसाइक्लेबल और साइक्लेबल, जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को आप अलग अलग इकट्ठा करें, और जो जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, बहुत अच्छा सजेशन आपका था कि 10 किलो के लिए वेट न करें, तो लंकी जी मैं इसको अभी यहीं से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आप 10 किलो वाली बात न करिए, आप तो मंथली एक बार भेजिए। तो उससे ये होगा कि देखिए 10 किलो प्लास्टिक अगर देखा जाए एक हाउस होल्ड में तो 3-4 महीने लग जाएंगे इकट्ठा होने में, तो 5 किलो हो, 1 किलो हो, 2 किलो हो, आप लेते रहिए, आप तो रेगुलरली महीने में फिक्स कर दीजिए रोज का कि एक बार जाएगा, तो उससे एक जो अवेयरनेस पैदा होगी पड़ोसी को, अगर पड़ोसी की महिला निकल करके देंगी तो पड़ोसी सोचेगा यार ये दे रही है प्लास्टिक, हम क्यों नहीं दे रहे, हम भी इकट्ठा करते हैं, एक 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 जो है ना रेप्लिकेशन होगा, और एक जो है लोग भी प्रेरित होंगे खुद। हमारे हमारे देश में बड़ी समस्या ये है सबसे बड़ी कि हम लोग बहुत देर से जगते हैं। अभी जैसे मैं विदेश में होके आया, मैंने देखा वहाँ कि हर व्यक्ति वहाँ हमसे अच्छा सिस्टम नहीं है, ना हमसे ज़्यादा सुविधा दी गई है, लेकिन यह है कि जो भी सुविधा है उसका सब